है दोस्तों, मैं आ गया हूँ सोनू के पास। ये हमारे सोनू भाई हैं। धन्यवाद। ये हमारे राजकुमार भैया जी। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आज भाई से कुछ क्वेश्चन करूँगा, इनसे भी कुछ क्वेश्चन करूँगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा। तो मैं आपसे 5 क्वेश्चन करूँगा, है ना। मैं आपसे 5 क्वेश्चन करूँगा, अगर 5 में से आप 1-2 का जवाब देते हैं तो आपको इनाम कुछ में कुछ दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन शुरू होता, पूछ लिया जाए। पूछिए। पूछ लिया जाए। पूछ ले। तो आप ये बताइए, 18 साल के बाद लड़कियां क्या देने लायक हो जाती हैं? वैसे 18 साल के बाद लड़कियां बहुत कुछ देने लगती है, लेकिन मतदान ज़रूरी है। 18 साल के बाद लड़कियां मतदान देने लायक हो जाती हैं। अच्छा, वैसे बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब सोनू जी ने, बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप का राय क्या है? हम मतदान के राय आपका है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना। वह कौन सी चीज़ है जिसे आगे से भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने बनाया, बताएं। अब इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को, लेकिन देखते हैं, प्रयास करते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बताइए, वह कौन सी चीज़ है जो आगे से भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने बनाया? पीछे से आगे से भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने, आगे से भगवान ने बनाया और पीछे से इंसान ने बनाया, ऐसा क्या हो सकते है? दोस्तों, आप लोग भी सपोर्ट करिए कुछ। आपको मालूम होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। हालांकि मैं बताऊंगा आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। बताओ सर जी, मालूम तो नहीं है अभी। आप बताइए राजकुमार भाई, आप बताइए, बड़े भाई हैं हमारे, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, हो गया, बताइए। मालूम नहीं है सर जी, आप ही बता दीजिए, हो गया, मैं बताऊंगा। अब तीसरा सवाल, तारों में वह कौन सी चीज दौड़ती है जो बादलों में भी दौड़ती है? तारों में भी वह क्या है जो दौड़ती है? बिजली है। बिल्कुल सही जवाब, सोनू जी ने 2 क्वेश्चन का जवाब दिया। छुओ ना, आप से मैं पूछ रहा हूँ, बाजी लगी है कि फ्री में बता रही हूँ? अच्छा अच्छा, चलिए, इनाम की बात है ना, है ना। तो आप बताओ, जो आगे भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने, क्या है, बताइए। ये मालूम नहीं है सर जी, आप दूसरा क्वेश्चन करिए, मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ऐसा क्या है जो पीसते हैं, बांटते हैं और काटते भी हैं, लेकिन खाते नहीं हैं? पीसते हैं और काटते हैं और बांटते हैं, बांटते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, बताइए क्या है? वैसे तो सर जी, आजकल जो गांव के लोग होते हैं, ताश खेलते हैं, उसको पीसते हैं, फिर बांटते हैं, फिर काटते हैं और। बिल्कुल सही जवाब सोनू जी ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, एक बात बताओ जी, तुम्हारी मुर्गी जी, मान लो एक मुर्गी है, है ना। हाँ, एक मुर्गी है। हाँ, इनके यहाँ जाके अंडा देती है, तो अंडा किसका हुआ? मुर्गी वाले का। मुर्गी वाले का। एक मुर्गी है, है ना। हाँ, और इनके घर में जाके अंडा देती है, तो मुर्गी किस, अंडा किसका हुआ? मुर्गी का हुआ है, और किसका हुआ? मुर्गी ने अंडा दिया। हाँ, बिल्कुल सही जवाब सोनू जी ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और इनसे, और वह कौन सी चीज़ है जो पानी में डूब नहीं सकती? नाव है। नाव। नाव वो पानी में भी डूब सकती है, फिर तो गया, हवा होगा। ऐसा क्या है जो पानी में नहीं डूब सकता? हवा। हवा लेकिन दिखती है। दिखती है, हवा तो देख नहीं सकते। नहीं, आपको मालूम होगा, कमेंट में बता दीजिए गाइस, क्या होगी? सर जी मालूम नहीं है, ये हमको कुछ सोचना पड़ेगा, फिर बताएंगे आपको अगले वीडियो में।
अच्छा ऐसा क्या है जो नहाने के बाद छोटी हो जाती है? आप बताइए। बताओ भाई। अरे आप बताइए ना, ऐसा क्या है? बताओ बताओ। आप बताइए ना, बताइए, आप सब पूछ रहे हैं, आप बताइए। ऐसा क्या है जो नहाने के बाद छोटी हो जाती है? आपको मालूम होगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ऐसा क्या है जो नहाने के बाद छोटी हो जाए, बताइए। बताओ बताओ बताओ, आप बताइए। तो देखिए, ऐसा है, नहाने के बाद सब कुछ छोटा हो जाता है, लेकिन हमारे ख्याल से साबुन होगा, क्योंकि आप लोग साबुन लगाते हैं तो ये हमेशा बढ़ती नहीं है, घटती ही है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही जवाब सोनू जी ने दिया है। और आपको मालूम होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। और हमारा हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मेरा है शीला ब्लॉग के नाम से। जय हिंद, जय वंदे मातरम।